भाई घर के अंदर में चल क्या रहा है। बिग बॉस ने लगता है कि एक यूट्यूबर को घर के अंदर में लाने के बाद रोस्टिंग सीखने का क्लास शुरू किया है। मतलब शायद 24 घंटे में से कोई एक घंटा ऐसा होगा जिसमें फुकरा इंसान जाकर के बता रहा होगा कि हम रोस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि लिटरली जिया शंकर की बजा रहे थे बिग बॉस। जिया को एक नॉर्मल सा टास्क दिया गया एज अ कैप्टन कि भाई आप 1 से लेके 7 तक की रैंकिंग में आप लोगों को खाना बांटोगे उनके रूल्स ब्रेक के हिसाब से कि किसने कितना ज्यादा रूल ब्रेक किया है। उनको सबसे कम खाना और जिन्होंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया जो नंबर 1 पे है उनको अच्छा खाना ये देना था। जिया शंकर अंदर गई और बन गई अच्छाई की मूर्ति, क्योंकि सबके साथ बना के चलना है, सबको इक्वली उसने राशन बांटा है, जो कि मैंने कैमरा में देखा। बिग बॉस ने जब पूछा तो भाई जो भी जवाब वो देती है वो जवाब किसी भी एंगल से उस टास्क को जस्टिफाई नहीं करता था। जब वो बता रही थी तभी उसको समझ में आ गया कि उसने गलत किया, जिसके वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो था और उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं जवाब क्या दूं। और उसके बाद से जो बिग बॉस ने शुरू किया कि मुझे लगता है एज अ कैप्टन जो आपको टास्क दिया गया है वो आप पे बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है, क्या आप इस कैप्टनसी को छोड़ना चाहते हो, क्या आप कैप्टन के पद से हटना चाहते हो, ऐसे करके ना जाने भाई कितनी बार बैंड बजाया है। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आया कि जब फुकरा इंसान बना हुआ था कैप्टन उस वक्त में तो कोई जाके ऐसे सजेशन नहीं दे रहा था और ना ही वो रूल झाड़ रहा था जाकर के, बहुत ही प्यार से जाकर के सबको अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जिया ने जाकर के भाई कुछ अलग ही तरह से रिएक्ट किया और जिस तरह से उसको टास्क के लिए बोला गया वो टास्क एकदम अनफेयर हो गया, क्योंकि उनसे पूछा गया कि जेल में वो इंसान जाएगा जो सबसे ज्यादा रूल ब्रेक करता है। तो भाई वहां पे 2 इंसान का नाम इस बार बेबिका ने एकदम परफेक्टली लिया कि या तो जाद हो सकता था, जाद ने जो हरकत की, दूसरा साइरस। भाई साइरस लिटरली इस घर का जो है टर्टल बन के है, कछुआ भी बोलना बेइज्जती होगी, वो एक कोने में बैठ करके बस सोता ही रहता भाई और कुछ नहीं करता है। उस भाई साहब को उठा के जेल में डालना चाहिए लेकिन नहीं, उनको प्रॉब्लम होगी ना, और नंबर 1 पे अपनी आइटम को रखती भाई। सुनने में बहुत बुरा लग रहा है ना, लेकिन सच बताऊं इस घर में अगर हाई लेवल की चमड़ीगिरी अगर कहीं पे चल रही है ना वो जिया और अविनाश के बीच में चल रही है। अगर आप इस बात से एग्री हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखो भाई, क्योंकि उस मैडम ने सीधा उठा करके पहला नंबर पे डाल दिया, एकदम पहले नंबर पे, और सब कुछ दे डाला कि ये रख लो वो रख लो सब कुछ तुम खा पी सकते हो भाई किस हिसाब से। और जो हमेशा कहती है जनता देख रही है, जनता देख रही है, क्या डायलॉग मार रही है, वो बंदी को कल मैं देखते हुए सच में बोल रहा था कि इस बार बोल दे कि जनता देख रही है कौन सही कौन गलत कर रही है। भाई उसको उठा के जेल में किस हिसाब से डालना बनता था नहीं समझ में आया, मतलब पूरी तरह से खुंदस निकालना ही हुआ है। तो बिग बॉस के घर के अंदर में कैप्टनसी को लेकर के बहुत ही अलग तरह से बिहेव किया जा रहा है बिग बॉस द्वारा। भाई अगर नहीं जम रहा बता दो, अगले ही घंटे हम चेंज कर देंगे। जैसे फुकरा इंसान बोल के फंस गया था कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है कुछ करो बिग बॉस, तो बिग बॉस ने बोल दिया चलो कैप्टनसी को ही टॉस में कर देते हैं। इस बार भी यही हुआ कि भाई इसने बोला कि मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा दिमाग फट रहा है। बिग बॉस सीधा कहते अगर ऐसा है तो बताइए आपको अभी कैप्टनसी से हटाते हैं, किसी और को रखते हैं। भाई मतलब रोस्टिंग के मूड में था बिग बॉस, सीधा कह रहे हैं कि अब आपने बांट तो दिया है, आप ही लोगों ने ये नेता चुना है अपना, तो भाई आगे इसी को झेलिए, मतलब क्लियरली बोला जा रहा है बिग बॉस द्वारा। बिग बॉस पता नहीं किस मूड में है भाई, बिग बॉस तक को बुरा लग गया लगता है। सो बिग बॉस के घर के अंदर में अभी बिग बॉस खुद रोस्टिंग खेल रहा है और फुकरा इंसान मजे ले रहा है, बेबी का भी मजे ले रही है, बहुत सारे लोग मजे ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों के फटके 4 हो चुकी है। यार इस खाला जान को यार फलक का कुछ करो, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर लास्ट एपिसोड, व्हाट्स योर टेक प्लीज डू कमेंट। आप बताओ आप किसके सपोर्ट में, आपको किसकी कैप्टनसी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन पे लिख करके बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।